नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपके सामने एक यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इसके अंदर आपने अपना पोर्टल का जो डाटा है, कुएं का डाटा, वो आपको इसमें डालना है और अपनी बुक्स का डाटा इसमें डालना है। और जैसे आप डाटा डालेंगे, विद इन वन मिनट आपके सामने पूरा का पूरा डाटा रिकनसाइल होकर के रिकनसाइल्ड आइटम्स अलग हो जाएंगे, अनरिकनसाइल्ड के अलग से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी और उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हैं अनरिकनसाइल्ड आइटम्स में, उसको अगर आप ठीक करेंगे, फिर से आप बटन दबाएंगे तो इमीडिएटली आपका रिकनसिलेशन अपडेट भी हो जाएगा। देखते हैं कि ये यूटिलिटी कैसे काम करेगी, तो चलिए आपको डेमो दिखाते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं यूटिलिटी। इसमें मैंने पोर्टल से डेटा, टूए का डेटा यहाँ पे कॉपी कर दिया है। आप ये देखेंगे, जैसे यहाँ पे मेरा टूए का डेटा है और ये टूए का डेटा सेम कॉलम्स जैसे मेरे पोर्टल से डाउनलोड होते हैं। यहाँ पे आपका GST ऑफ सप्लायर है, ट्रेड लीगल नेम है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस टाइप है, इनवॉइस डेट है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे इसके अंदर कॉपी कर दी है। और इसी तरह से अगर आप नीचे जाएंगे तो मैंने इसी के नीचे जाकर के 3B का जो डेटा है वो भी यहाँ पे कॉपी कर दिया है इसी के नीचे। लेकिन ये फॉर्मेट जो है उसी कॉलम के नीचे होना चाहिए। अगर मैं GSTN ऑफ सप्लायर है तो 3B के नीचे ही मेरा GSTN ऑफ सप्लायर होने चाहिए। ये जो येल्लो मेरे हेडिंग है, ये सारे के सारे मेरे हेडर्स कंपलसरी हैं। इनको आपने जरूर फिल करना है क्योंकि रिकंसिलेशन जो है वो इनके ऊपर ही होना है। लेकिन जो व्हाइट मेरे हेडर्स हैं उनको आप जो है कर सकते हैं कि इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसको अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर आप जो है देखेंगे डेटा, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स भी डाल रखे हैं। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा 1, 2, 3, तो इसमें आपका अगर कुछ वोचर नंबर है, कोई और भी अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको डालनी है तो आप इन कॉलम्स का नाम भी चेंज कर सकते हैं व्हाइट वाले का, और उसको यूज भी कर सकते हैं। लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर कि जो येल्लो मेरे हेडर्स हैं उनको आपने चेंज नहीं करना है, उनका हेडर आपने बिल्कुल सेम रखना है। तो अब आपने ये डेटा डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए रिकनसिलेशन टॉलरेंस लिमिट प्लस और माइनस। तो अब अगर इसमें आपने डेटा एक बार डाल दिया, आपकी लाइन आपकी 1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 10000 भी हो सकती है, तो आप जितनी भी लाइन डालेंगे उसके बाद आपको बस केवल ये जो बटन है रिकनसाइल, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये मेरा जो है इसमें लेफ्ट साइड जो ग्रीन कलर नजर आ रहा है, यहाँ पे मेरा रिकनसिलेशन स्टार्ट हो गया। और ये रिकनसिलेशन स्टार्ट होने के बाद अब ये आपको रिजल्ट दे देगा। ये देखिए, इसने रिजल्ट दे दिया। अब ये बता रहा है कि मेरे 2795 आइटम्स रिकनसाइल हो गए हैं, जिसमें टोटल 2A का है 53,73,000 और 3B का भी ये रिकनसिलेशन है। ये इसके अंदर ट्रू या फॉल्स आ गया है मेरा, कि इसके अंदर मेरा ये ट्रू या फॉल्स। अच्छा, इसमें जो RC आ रहा है, RC का मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पे जाता हूँ सप्लायर अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, अगर आपका इसमें यस होगा, अगर आप इसमें जाएंगे यस होगा, तो ये जो है इसको एज ए RC ले लेगा, इसको आपको रिकनसाइलेशन में कंसीडर नहीं करेगा। तो ये भी मैंने इसके अंदर यूटिलिटी इसके अंदर कंसीडर कर रखी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 2795 आइटम मेरे रिकनसाइल हो गए। और अगर हम टोटल आइटम्स की बात करें तो यहाँ पे मेरे जो अभी टोटल आइटम्स हैं, ये जो टोटल है ये 3854, करीब 3800 आइटम्स हैं। उसमें से आउट ऑफ 3800 2800 आइटम्स इसने एक क्लिक करते ही रिकनसाइल कर दिए। अब इसमें एक चीज और देखिए, ये बड़ी अच्छी चीज मैंने इसमें फंक्शनलिटी डाली है। यहाँ पे रिकनसिलेशन टॉलरेंस लिमिट जो है वो केवल 0 रुपीज डाली है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली तो दोस्तों आपने देखा होगा ऐसा नहीं होता। हो सकता है मेरा 2A के अंदर जब एंट्री पोर्टल में जो एंट्री डली है उसमें मैंने पैसे को कंसीडर नहीं किया या पैसे को कर लिया, लेकिन जब 3B की एंट्री कर रहा हूँ, बुक्स में जो एंट्री कर रहा हूँ उसमें हो सकता है कि मेरा पैसे मैंने नहीं डाले। तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें 36,000 जैसी है 849.12 रुपये, हो सकता है 3B में केवल 36,849 डाल दी। तो आपके लिए मैंने एक फंक्शनलिटी दे दी, यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि आप कितने रुपए तक की टॉलरेंस लिमिट आप चाहोगे कि ये रिकनसिलेशन में ऑटोमेटिकली कंसिडर कर ले। तो अब अगर आप यहाँ पे 5 रुपए डाल दिए, सपोज करो आपने, तो ये क्या करेगा, 5 रुपए तक की टॉलरेंस लिमिट जो भी हम आइटम रिकनसाइल करेंगे उसमें अगर 5 रुपए तक का डिफरेंस होगा, प्लस में हो या माइनस में हो, तो उसको भी ये रिकनसाइल कर देगा। तो लेट्स सी कि मैंने 5 रुपए की इसमें टॉलरेंस लिमिट डाल दी और मैंने फिर से इसको बोल दिया रिकनसाइल। अब ये देखते हैं जी, मैंने इसको रिकनसाइल किया, अब देखते हैं कितने आइटम्स मेरे रिकनसाइल करता है। तो अब ये देखिए,
पहले 2795 थे, अब 3600 आइटम्स हो गए। मतलब ये है कि करीब मेरे 800 आइटम्स और बढ़ गए हैं, मेरे रिकनसाइल हो गए हैं। और इसमें जो डिफरेंसेज है टोटल, जब मैं डिफरेंस करता हूँ तो केवल 8 रुपये का ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए 3600 आइटम्स, मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे आइटम्स थे जहाँ पे कोई आधा रुपये का डिफरेंस है, 1 रुपये का है, 2 रुपये का डिफरेंस है, तो वो पहले मेरे रिकनसिलेशन के अंदर पड़े हुए थे। लेकिन केवल मैंने टॉलरेंस लिमिट बढ़ाई तो मेरा 5 रुपये तक का अंतर इसने लिया और उसके कारण ये रिकनसाइल हो गए। तो ये जो फंक्शनलिटी है बहुत ही बढ़िया फंक्शनलिटी है। तो इसके कारण जो है आपकी जो एफिशिएंसी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब अगर आप देखेंगे इसके अंदर मेरे जो टोटल आइटम्स मैंने बताया 3800 कुछ इसके अंदर आइटम्स आ रहे थे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3854 और इसमें मेरे रिकनसाइल हो गए 3695, अराउंड 150 आइटम्स हैं, लाइन आइटम्स जो मेरे रिकनसाइल नहीं हुए। अब अगर आप उसकी रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ पे जा करके आप केवल फॉल्स को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो आइटम्स आ जाएंगे जो आपके रिकनसाइल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2A का भी आ गया और नीचे देखेंगे 3B के आइटम्स हैं जो कि इसके अंदर अनरिकनसाइल्ड है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, हो सकता है कोई गलती हो, एक रिपोर्ट भी आ जाएगी। यहाँ पे जब आप रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाकर के मैं इसके अंदर जाकर के अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ इस रिपोर्ट को, क्योंकि ये पिवट टेबल है, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये मेरे आइटम आ गए करीब 47 या 40 के करीब मेरे सप्लायर्स हैं जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अब इसमें देखिए, जैसे ये सप्लायर है इसके अंदर 2A में एंट्री है, 3B में एंट्री है ही नहीं मेरी। अब यहाँ पे देखिए 1ZZ, इसमें मेरा 2A में भी है और 3B में भी है, लेकिन अमाउंट का ये डिफरेंस है तो ये इसने दे दिया मेरे को कि ये मेरा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे इसमें डिफरेंसेज आपको पता लगेंगे। यहाँ पे देखिए 540 कुछ हैं जो 3B में एंट्रीज हैं, लेकिन 2A में मेरी एंट्रीज है ही नहीं। तो अब इसके ऊपर आपने डिसीजन लेना है, इसके ऊपर एनालाइज करना है, आपने पार्टी को भेजनी है डिटेल्स। कई जगह पे ऐसा भी होगा। अब आप देखिए इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा सप्लायर नंबर है, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा ये जूम जैसे मैंने किया तो यहाँ पे देखिए 07AB IPC, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1FZ और यहाँ पे सब कुछ सेम है, यहाँ पे लिख दिया 1ZF। तो ये मेरी क्लरिकल मिस्टेक हो गई, 2A तो मेरा ठीक रहेगा, लेकिन मैंने जब 3B के अंदर एंट्री डाली, जो सप्लायर का कोड मेरा जो बुक्स में डाला उसको मैंने FZ की जगह ZF कंसिडर कर लिया। तो अब इसके कारण जो है यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आ गई। अब जो ये प्रॉब्लम आई मेरी इसके अंदर, अब इसको मेरे को ठीक करना है। कैसे मेरे को ठीक करना है इसको, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं गया इसको जहाँ पे भी मेरे को ठीक करना है तो मैं इस डेटा को जाकर के ठीक कर सकता हूँ। अब आप देखिए इसके अंदर मैं गया रिको डेटा के अंदर और मैंने इसको किया 1F, ये जो है इसको मैं कंसिडर करता हूँ, कंट्रोल सी मैंने किया और इसमें रिको डेटा में जाने के बाद मैंने इस पे GSTN ऑफ सप्लायर पे गया और यहाँ पे जा करके मैंने इसको सर्च कर लिया यहाँ पे। और सपोज मैं इसको केवल ये सर्च करता हूँ, ये देखिए मेरे सर्च होकर के मेरे आगे FZ भी आ गया, ZF भी आ गया, यहाँ पे मैंने किया। तो अब आप देखिए इसके अंदर मेरा जो है बिकॉज ऑफ सप्लायर का मैंने कोड ठीक नहीं डाल रखा है तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। मैंने इसी कोड को मैंने उठाया और केवल यहाँ पे जा करके अगर मैं इसको ठीक करके और इसमें डाल देता हूँ, सेम मैंने कोड यहाँ पे डाल दिया, अब यहाँ पे मेरी क्लरिकल मिस्टेक मैंने ठीक कर दी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे होने के बाद अब मेरे जो 3695 आइटम्स रिकनसाइल है, मेरे को क्या करना है, फिर से ये रिकनसाइलेशन का बटन जो है यहाँ पे दबा देना है। जैसे मैं अब इसको दबाता हूँ तो ये देखिए इसने क्या किया, ये देखिए 3705, अब वो जो आइटम्स थे वो भी मेरे इसने रिकनसाइल कर दिए। अब अगर मैं रिपोर्ट में जाऊंगा तो अभी तो रिपोर्ट के अंदर मेरे ये दोनों आइटम्स नजर आ रहे हैं क्योंकि मैंने रिपोर्ट को रिफ्रेश नहीं किया। अब अगर मैं इस रिपोर्ट को रिफ्रेश करता हूं तो आप देखिए ये आइटम्स मेरे रिकनसिलेशन से बाहर हो गए। अब आपके पास में ये रिकनसिलेशन का डाटा है, इसको आप जैसे मर्जी इस पे पीवेट में और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहो आप ले सकते हो और इसके बेस पे आप अपने डाटा को ठीक कर सकते हो यहाँ पे। तो ये जो है आपका डाटा है, इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हो इन फ्यूचर, अगर आपको लगता है कोई आपको सॉर्ट करना है जैसे, तो यहाँ पे आप जाकर के किसी भी तरह से सप्लायर के बेस पे सॉर्ट करना है, पहले आपको 2A डालना है, पहले आपको 3B डालना है, कोई भी, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, जितना मर्जी आप इसको जैसे मर्जी आप यूज कर सकते हैं। आपका बस केवल ये बटन दबाना है, बटन दबाते ही विद इन सेकेंड्स आपको ये रिकनसिलेशन करके दे देगा। कुछ मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है यहाँ पे जो आपने फॉलो करनी है कि आपने कोई भी हेडर, ये टिल 7th रो आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है,
कोई भी रो डिलीट नहीं करनी है। हेडर जो विद येलो है उसको मैंडेटरी है, उसको आपने जरूर भरना है और उसको आपने नाम भी चेंज नहीं करना है। मैंडेटरी कॉलम्स कोई भी फील्ड आपका एम्प्टी नहीं होना चाहिए। डेट शुड बी इन एक्सेल फॉर्मेट। डेट का जो फॉर्मेट होता है एक्सेल जिसको समझ सके उसको क्या है, जब हम इसके अंदर जाते हैं अगर आपका डेट का फॉर्मेट ठीक होगा तो यहाँ पे केवल ईयर दिखाएगा ये इस फिल्टर के अंदर। इसका मतलब हमारी जो डेट पड़ी हुई है वो एक्सेल समझ पा रहा है, तो ये आपने ध्यान रखना है। हेडर विद वाइट फॉन्ट जो है वो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, लेकिन कॉलम्स आपको डिलीट नहीं करने हैं। ये मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा कॉलम्स डाल रखे हैं यहाँ पे, इनको आप यूज कर सकते हैं, जैसे मर्जी इसको नाम दे सकते हैं। तो ये बड़ी ईजी आपको जो है यूजर फ्रेंडली यूटिलिटी रहने वाली है, बहुत आपका इसमें टाइम बचेगा। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसको यूज भी कर रहे हैं फर्म, और काफ़ी इसका जो रिजल्ट है 100% एक्यूरेट रिजल्ट आ रहे हैं। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन होगा, कोई अगर आपको और कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट की जा सकती है, तो आप इसको कीजिए। ये लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे मेरी यूट्यूब चैनल के नीचे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं। अभी जो डाउनलोड करेंगे उसके अंदर एक आपको रोज की लिमिटेशन रहेगी, आप इसमें बहुत बड़ा डाटा आप इसमें रिकनसाइल नहीं कर पाएंगे, अराउंड 400-500 रोज आपको इसमें रिकनसाइल कर पाएंगे। फिर अगर आपको चाहिए, अगर आपको ये यूटिलिटी ठीक लगती है, अच्छी लगती है, तो फिर आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसका एक जो प्रीमियम वर्जन है वो आप इस हमारे से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको टेस्ट कीजिए, और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।